एज यू नो कि आज आपका टेस्ट है, ठीक है? तो सिलेबस यू नो ईएमआई एंड एसी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक, ठीक है? तो अब लेट अस डू द रिवीजन अगेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, केस स्टडी, असम्पशन, रीजन, एमसीक्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ केस स्टडी ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखिए. सुनो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑपरेट्स ऑन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म एंड वॉज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट डार्सो नेवल. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप, सस्पेंडेड कॉइल एंड पिवटेड कॉइल टाइप और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है? दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग. इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सस्पेंशन इन सच अ वे दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम. Yes. It experiences a torque. ठीक है? This torque tends to rotate the coil about the axis of suspension in such a way that magnetic flux passing through the coil is maximum. Read the passage and give the answers to the following questions. So those who are coming late, I must tell them that this is a case study on moving coil galvanometer. MCG पे case study है ये. Questions are, a moving coil galvanometer is an instrument which, options, अब आप मुझे आंसर बताओगे. ऑप्शन सुनो ध्यान से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की. अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच ए पार्ट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ, बी पार्ट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, सी पार्ट इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस एंड डी पार्ट इज अ डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अ डिफ्लेक्शन व्हेन करंट फ्लोस थ्रू इट्स कॉइल. विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, एनीवन आउट ऑफ यू, which option will be correct? What does a moving coil galvanometer do? Batao students, kya karta moving coil galvanometer? Deflection show karta hai. Haan? Haan, inme se kaun si option correct hai? Which option is correct? D. D part is correct. It's a deflection instrument which gives deflection when a current flows through the coil. Second is to make the field radial in a moving coil galvanometer, what is done? A part, number of turns of coil is kept small. Magnet is taken in the form of horseshoe. Poles are of very strong magnets and poles are cylindrically cut. Kya kiya jata hai? MD part. Yes, poles are cylindrically cut. Unki special shape hoti hai. Right? In a moving coil galvanometer having a coil of n turns of area A and carrying current I is placed in a radial field of strength B. तो उसमें ऑप्शंस दी हुई हैं, आपको बताना है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितनी है, ठीक है? एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, करंट, ये सब दिया हुआ है. यू आर टू टेल कि टॉर्क कितनी है. ऑप्शंस आर एन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई, एन ए बी आई स्क्वायर, एन स्क्वायर ए बी आई, एन ए बी आई. विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच इज द टॉर्क आउट ऑफ दीज? आउट ऑफ दीज इज द टॉर्क. टॉर्क कौन सी इनमें से? यस स्टूडेंट्स, इनमें से टॉर्क कौन सी है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बीना, ना बीना होता है ना टॉर्क का फॉर्मूला, तो ये बीना ही कोई उन्होंने एन ए बी आई लिखा हुआ है. सो टाउ इज इक्वल टू बीना और ये टॉर्क को ही उन्होंने ऐसे करके लिखा हुआ है. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, सो यू सी हाउ मच डिफरेंस इज देयर. अगर आप बीना बोलते हो तो इजीली लर्न कर सकते हो. एन ए बी आई से आपको इजीली पता ही नहीं चल रहा कि ये टॉर्क है कि नहीं है ना. चलो, अब द प्रिंसिपल ऑन विच मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड, ठीक
ठीक है, प्रिंसिपल ऑन विच मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड आर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज द कॉइल टर्न्स व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कॉइल, पहली ऑप्शन ये है, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन इज इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट व्हेन मोशन टेक्स प्लेस, और थर्ड है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज. चलो बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ दीज, बोलो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. ए पार्ट इज करेक्ट कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट हैपेंस, देन अ टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड दैट रोटेट्स द कॉइल, ये इसका प्रिंसिपल है. इंड्यूस्ड करंट EMI वो तो बिल्कुल डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इसका पार्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ गिवन रेंज, ऑप्शंस आर शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बी ऑप्शन इज हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, सी पार्ट इज इट इटसेल्फ सर्व्स एज वोल्टमीटर, एंड डी नन ऑफ दीज. कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर व्हाट इज डन, शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, और वोल्ट दिस गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ एक्ट्स एज अ वोल्टमीटर, और नन ऑफ दीज, बताओ विच ऑप्शन इज ट्रू. आज टेस्ट है बच्चे, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता होना चाहिए. हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, कैसे कन्वर्ट करेंगे, यस एनीवन, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, बोलो. यस हरिया, शंट लगा के मैं. नो, वो तो उससे तो एमिटर बन जाएगा, शंट इन पैरेलल से गैल्वेनोमीटर एमिटर में कन्वर्ट होता है. तो ये इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वी कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, एंड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमिटर वी कनेक्ट शंट विच इज अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू इट, ठीक है, क्लियर है. तो ये इसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बेस पे क्वेश्चन हो गए, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी ऐड हो सकता है आपका, राइट. अब चलिए नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है. असर्शन लिखिए, असर्शन राइट नाउ, असर्शन लिखो बच्चे, लिखोगे तो भी पता चलेगा असर्शन एंड रीजन. द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली, द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली Point out always along north south. Reason है इसका, Earth behaves as a huge magnet. Yes, क्या होगा? बोलो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बताओ. यस बच्चे आज टेस्ट है, बोलो. ये वाली चीजें तो बहुत ही बेसिक है. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हमने किया है ना, बताओ. ए असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट. यस, अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और उसका रीजन ए है बिकॉज अर्थ बिहेव लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट. अर्थ एक बड़ा मैग्नेट है और उसके पोल्स के अट्रैक्शन के अंडर एक बार मैग्नेट रेस्ट करता है इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. यस दैट इज करेक्ट. सो ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन लिखिए. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट
द वर्किंग ऑफ एमसीजी. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एमसीजी. ऑप्शंस आर रीजन इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक. चलो बताओ. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक. हाँ जी बोलिए. करेक्ट है कि नहीं है? दोनों ऑप्शंस पहले करेक्ट हैं ये बताओ. बच्चे से समथिंग, क्या यही रीजन है कि आपका फील्ड एमसीजी के फील्ड को अफेक्ट नहीं करता? बिकॉज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक. इज दैट सो और नॉट? यस, दिस इज द रीजन. Because you know in MCG the type of magnetic field is radial, and radial magnetic field is very very strong magnetic field. It is not affected by weak magnetic fields existing outside, for example Earth's magnetic field. So yes, because Earth's magnetic field is very weak, it does not affect the working of MCG. क्योंकि MCG का अपना ही field बहुत strong है. Radial magnetic field is very strong. ठीक है. Next लिखो. नेक्स्ट लिखे असर्शन. व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज डबल इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स फोर टाइम्स. असर्शन इज व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज डबल इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स फोर टाइम्स. रीजन, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप. मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप. यस बताइए कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी इन दिस केस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट? एम आई इनटू ए. हाँ, एम इज एन आई ए, और अगर एक टर्न हो तो आई इनटू ए, और एरिया ऑफ दैट लूप विच इज सर्कुलर will be pi r square. So, अगर हमने रेडियस डबल कर दिया, r के प्लेस में 2r put कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा? 4 times हो गया ना अपने आप. So, this is 4 times. तो यही रीजन हुआ. ठीक है, फिर तो अगेन a is correct in this case. ठीक है, अगेन a is correct in this case. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन गॉज़ेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. पता है गॉज़ेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है क्या? कौन बताएगा मुझे इसका फॉर्मूला? व्हाट इज गॉज़ेस लॉ इन मैग्नेटिज्म? हमने मैक्सवेल इक्वेशंस में किया था. टेल मी, व्हाट इज गॉज़ेस लॉ इन मैग्नेटिज्म? कौन बताएगा? स्टूडेंट्स हरी अप, कम ऑन. गॉज़ेस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है? गॉज़ेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? कौन बताएगा? What is Gauss's law in electrostatics? Yes, Yashika, आप बताओ Gauss's law in electrostatics क्या है? Yashika, what is Gauss's law in electrostatics? Vidisha, आप बताओ. क्या हो गया? गॉज़ेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. यही है ना? गॉज़ेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इन एनालॉजी अगर हम बी डॉट डीएस लिखें तो व्हाट डू वी गेट ऑन राइट हैंड साइड? बताइए यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट वी विल राइट हियर? बोलो यहां क्या लिखूं मैं? गॉज़ेस लॉ इन मैग्नेटिज्म लिखने के लिए व्हाट शुड आई राइट हियर? बच्चे से समथिंग.
जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट, बट इन मैग्नेटिज्म आइसोलेटेड पोल डजंट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे हमें जीरो लिखना पड़ता है. मिनिमम कॉन्फिगरेशन पॉसिबल इन मैग्नेटिज्म इज डाइपोल हैविंग टू पोल्स, एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे जीरो आता है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म. तो पैराग्राफ जो है केस स्टडी उसी के ऊपर है, एक बार सुन लो. By analogy to Gauss's law of electrostatics, we can write Gauss's law of magnetism as this, where integral B dot ds is magnetic flux, okay? And mu not m अगर हम लिखें right side पे, ठीक है? तो we don't have an isolated magnetic pole in nature. At least one has been found to exist till date. The smallest unit of source of magnetic field is a magnetic dipole, where the net magnetic pole is zero. Hence, the net magnetic pole enclosed by any closed surface is always zero. Correspondingly, the flux of magnetic field through any closed surface is zero. So, they are giving explanation कि अगर हम in analogy 1/ε0 की जगह μ0 लिखें और charge की जगह pole strength लिखें, तो फिर भी ये बाद में जीरो ही आ जाता है. तो वो उन्होंने रीजन बताया है कि कैसे ये होता है, ठीक है? सो एक्चुअली गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट इंटीग्रल बी डॉट डीएस इज जीरो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर सम क्वेश्चंस. फर्स्ट इज नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑप्शन आर जीरो, म्यू नॉट ओवर 4π, 4π इंटू म्यू नॉट, 4μ0/π. चलो बताओ क्या ऑप्शन आएगी यहाँ पे, करेक्ट क्या है? हरियप हरियप. नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? जीरो, μ0/4π, μ0 × 4π, 4μ0/π. क्या ऑप्शन करेक्ट होगी? जल्दी बोलो बच्चे, आज तो आपका टेस्ट है, आपने प्रिपेयर किया होगा, तो ये चीजें तो टिप्स पे होंगी ना. चलो बोलो क्या आंसर आएगा. यस गीतेश, यस गीतेश बोलो. यस मैम. हाँ बोलो क्या आएगा इसमें. ऑप्शन स्टेटमेंट आपके सामने है, यहीं से आ जाएगा आंसर. ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, वो क्या है? जीरो है. तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो, बस, ठीक है? बिकॉज देर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल, सो दैट इज व्हाई इट इज जीरो. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉसेस लॉ? ऑप्शंस आर मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ. बी पार्ट, इफ सेवरल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर इन अ क्लोज सर्फेस देन एन इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स मस्ट लीव दैट सर्फेस. See is there are abundant sources or sinks of magnetic field inside a closed surface and D part isolated magnetic poles do not exist. So which of the following is not a consequence of Gauss's theorem? देखो D तो है, isolated monopoles don't exist, ये तो ये कहता है. Magnetic poles always exist as pairs, वो भी ठीक है. If several magnetic lines of force enter in a closed surface, equal number of lines must leave. वही ना, टोटल फ्लक्स जीरो है किसी सरफेस के ऊपर, उसका मतलब क्या है कि इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लीव भी कर रही होंगी, ठीक है? सो दिस इज द मीनिंग. इसका मतलब ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, सी इज इनकरेक्ट. देयर आर अबंडेंट सोर्सेज और सिंक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस. इसका मतलब अगर सोर्स है या सिंक है, तो सिंक है जैसे, तो अगर उसमें से लाइन अगर उसमें एंटर कर गई तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगी कभी, पर ऐसा नहीं होता. नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब है जितनी लाइंस एंटर कर रही है उतनी लीव भी कर रही है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है इसका, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ सरफेस, ऑप्शंस आर इज प्रोपोर्शनल टू मास एनक्लोज्ड, बी पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड, सी पार्ट इज जीरो, डी पार्ट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस. ये तो बहुत सिंपल है, अब ये मत कहना कि हमें आता नहीं. कौन बताएगा? मनकीरत, वुड यू लाइक टू टेल? सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू चार्ज जीरो और इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस. व्हाट वुड बी द ऑप्शन समृद्धि? यस समृद्धि, तुषार आप बताओ. तुषार मैम रिपीट करना. सरफेस इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ सरफेस. ऑप्शंस आर इज प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू चार्ज इज जीरो और इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस. सरफेस इंटेग्रल डी. सरफेस इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो डी पार्ट है. ठीक है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं ना हम. तो ये तो बहुत जीरो भी तो हो सकता है, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है. हां नहीं नहीं अभी तो उन्होंने ये पूछा ना कि उसको कहते क्या है. ठीक है, सरफेस इंटेग्रल का मीनिंग क्या है? वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही है ना. ओवर ओवर अ सरफेस बोला है, तो ओवर अ क्लोज सरफेस होता तो हम जीरो कह देते. ओवर अ सरफेस बोला है यहाँ पे, तो इसका मतलब उसका मीनिंग ही पूछना है कि उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते. अगर ओवर अ क्लोज सरफेस होता तो उसका आंसर जीरो बनता. ठीक है, चलो नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के ऊपर. लिखो क्वेश्चन आफ्टर द पैराग्राफ. तीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमने कल रिवाइज किए थे उसके बेसिस पे है. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड राइट डाउन. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज अंडर रूट थ्री टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट एट अ प्लेस is under root three times the horizontal component. What is the value of angle of dip at this place? What is the value of angle of dip? Yes, kya answer hoga iska? Which formula we are going to use? Kaun sa formula use hoga? Yes students, which formula you can use? And what tan delta is equal to? Tan delta is equal to? V by H. V by H. Yes. Tan delta is V by H. So put kar do value. V is under root 3H. H gets cancelled. So tan delta is under root 3 when delta is 60 degree. So the angle of dip is 60 degree. Options di hui hain. 60 degree, 45 degree, 90 degree, 30 degree. Theek hai? Ye options di hui hain. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अर्थ सरफेस इज. ऑप्शंस आर 5 गॉस, 0.5 गॉस, 500 गॉस. कैन नॉट बी मेजर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस क्या सबसे क्लोज है? मैंने वैल्यू बताई हुई है क्लास में. आई टोल्ड द वैल्यू. यस चलिए बताइए. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी ना वैल्यू. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इज 0.35 गॉस. तो सबसे क्लोज है इसके 0.5 गॉस. सो ए ऑप्शन कैन बी करेक्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ऑप्शन आर सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अर्थ कोर, रोटेशन ऑफ अर्थ, अट्रैक्शन ड्यू टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सोलर फ्लेयर्स. बताओ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? मूविंग, यू नो मूविंग करंट्स आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ए पार्ट करेक्ट है. सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अर्थ कोर, हमने कहा था कि बहुत सारी थ्योरीज हैं अवेलेबल रिलेटेड टू दिस. तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि आयनोस्फीयर में आयन्स की मूवमेंट हो सकती है, अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा की मूवमेंट हो सकती है, कन्वेक्शन करंट हो सकते हैं.
तो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अर्थ कोर वो वही है, मैग्मा की मूवमेंट, कन्वेक्शन करंट की बात ही कर रहे हैं. सो ए पार्ट इज करेक्ट. इलेक्ट्रिक करंट इन अर्थ कोर इज जनरेटेड ड्यू टू व्हाट? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिक करंट अर्थ कोर इज जनरेटेड ड्यू टू ए है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एटमोस्फियर. इलेक्ट्रिक करंट इन अर्थ कोर, अर्थ के कोर में मोल्टन आयरन है आपको पता है, ठीक है, is generated due to movement of charge particle in atmosphere, flowing of liquid metal in the outer core, you know, core में outer और inner दोनों cores हैं, उसमें iron है सारा, molten form, ठीक है. Electric discharges during thunderstorm, its revolution around the sun. कौन सी option correct होगी? Clear है? Electric current in earth's core. अर्थ का कोर का एटमोस्फियर से कोई लेना देना नहीं है, रेवोल्यूशन अराउंड द सन भी नहीं है, डिस्चार्जेस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म भी नहीं हो सकता. क्या है फिर? फ्लोइंग ऑफ लिक्विड मेटल इन द आउटर कोर, वो जो आयरन मूव करता है हॉट और कोल्ड, आयरन की भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो उसका उसकी वजह से कोर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इसलिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है. Which planet has no own magnetic field? किस planet का अपना कोई field नहीं है? Options are Jupiter, Neptune, Mars, Mercury. Mercury, Mars, Jupiter, Neptune. क्या answer हो सकता है? सुना है कभी आपने? किस planet पे कोई अपना magnetic field है ही नहीं? That is Mars. क्योंकि Mars में कोई liquid metal नहीं है, flowing liquid metal नहीं है उसके core के अंदर, कोई liquid नहीं है. इसलिए सो इट डजंट प्रोड्यूस द सेम डायनामो इफेक्ट, सो इट हैज ऑलमोस्ट नो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड मेटल कोर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. सो दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड. एक और पार्ट है, अ कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू अ जियो मैग्नेटिक पोल, व्हाट विल हैपन? जियो मैग्नेटिक पोल, ठीक है, अगर तो हम ज्योग्राफिक पोल के पास लेके जाते हैं तो क्या होगा? कंपास नीडल है, अगर आप उसको पोल्स पे ले जाओगे, आपके ज्योग्राफिकल पोल्स पे ले जाओगे, आपको पता है क्या होगा? उसका नीडल कहाँ पे जाएगी? एंगल ऑफ डिप एट पोल्स कितना होता है? 90 डिग्री. तो नीडल वहां पे वर्टिकल हो जाएगी जाके. जियो मैग्नेटिक पोल कौन सा है? ये अगर अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ है, ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है. तो अर्थ एक ह्यूज बार मैग्नेट है और ये टिल्टेड है, तो नॉर्थ में इसका साउथ पोल है और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो ये जियो मैग्नेटिक पोल्स हो गए. ये जियो मैग्नेटिक पोल्स है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है. तो ये ज्योग्राफिक नहीं, जियो मैग्नेटिक पोल्स है. So a compass needle, question is, which is allowed to move in a horizontal plane, is taken to a geomagnetic pole. It, options are, will become rigid, showing no movement. B part will stay in any position. C part will stay in north-south direction only. And D part will stay in east-west direction only. Chalo batao. Iska kya aayega? Question nahi pata laga. क्वेश्चन है, जियो मैग्नेटिक पोल समझ में आ गया आपको? जियो मैग्नेटिक पोल पे हम ले गए हैं उसको. एक कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो कंपास नीडल जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती है, उसको हम जियो मैग्नेटिक पोल पे ले गए हैं. तो उसकी नीडल क्या शो करेगी? इट विल बिकम रिजिड, शोइंग नो मूवमेंट, विल स्टे इन एनी पोजिशन, विल स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, विल स्टे इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. क्या ऑप्शन आएगी? एक नीडल जो हॉरिजॉन्टल रह सकती है, आप उसको वहां पे ले गए जियो मैग्नेटिक पोल पे, यहां या यहां, तो वो तो हॉरिजॉन्टल ही शो कर सकती, प्लेन में मूव कर सकती थी. ये तो प्लेन ही कोई और है, ये मैग्नेटिक प्लेन है ना, ये ज्योग्राफिक प्लेन है. इस प्लेन में वो रिजिड हो जाएगी, वो मूव ही नहीं कर पाएगी. तो ये आपका ए पार्ट करेक्ट होगा, विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट. इट विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट, ठीक है. इज दैट ओके? चलिए देख लो कोई डाउट अगर आज के लेक्चर में से, एंड टेस्ट है आज आपका,
20 मार्क्स का फर्स्ट रिवीजन टेस्ट है एंड दैट इज कंपलसरी फॉर यू टू डू. उसमें केस स्टडी क्वेश्चन भी है, असर्शन रीजन क्वेश्चन भी और सिंपल एमसीक्यूज भी है. तो उसी पैटर्न पे है जैसे आपको पेपर में आना है. सो प्लीज डोंट स्किप दिस टेस्ट. आई विल बी पुटिंग द नेम्स इन पेरेंट्स ग्रुप. आप सभी को टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये रिवीजन टेस्ट है बच्चे, ऑर्डिनरी नहीं है, हाफ सिलेबस का रिवीजन टेस्ट, ठीक है? तो सिलेबस आपको पता ही है. कौन से टाइम पे डलेगा टेस्ट का? टाइम वही 5:00.